मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी सेहत से भरपूर पनीर की खीर। तो पनीर का खीर बनाना कैसे बनाया जाता है आइए आपको बताते हैं। पनीर की खीर बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम पनीर, थोड़ा सा किशमिश है आधी कटोरी, बादाम है खड़ा, चिरौंजी है और बादाम कटा हुआ है, और कद्दूकस किया हुआ नारियल है। ये मेरा आधा कटोरा दूध है, 250 ग्राम से बेसी है। तो पनीर को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये मेरा पनीर कद्दूकस हो गया है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को जला लेते हैं। अब इसी में डालेंगे हम आधा चम्मच देसी घी। तो आधा चम्मच मेरा देसी घी है, देसी घी में हमारा पनीर भुनेगा। तो पहले पनीर हम भुनेंगे इसी देसी घी में। बहुत समझ लीजिए, ये डिश जो हम बना रहे हैं पनीर का खीर, ये हमने हलवाई से सीखा है। तो पनीर को हम भून लेंगे पहले। हल्का गोल्डन होने तक हम भूनेंगे। पनीर मेरा गोल्डन हो गया है तो हम गैस से उतार लेते हैं। अब दूध को चढ़ा देते हैं। तो दूध मेरा उबला हुआ है ये। अब इसी में हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल एक कटोरी। इसी में कटा हुआ बादाम डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स है ये। आधी कटोरी चिरौंजी डाल देंगे। इसको चलाते रहेंगे। ये उबलने लगेगा तब हम पनीर डालेंगे। ये छोटी कटोरी से हमने लिया है 1.5 कटोरी चीनी, तो हम चीनी भी डाल देते हैं। हम इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए एक उबाल आ गया है, तो हम इसी में भुना हुआ पनीर डाल देंगे। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। इसको एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन पनीर देसी घी में भून के डालिएगा। अगर देसी घी नहीं पसंद करती हो तो ऐसे भी डाल सकती हैं रेतकर। तो अब हम डाल देते हैं इसी में 1 कटोरी किशमिश। अब हम इसको थोड़ा देर पकने देंगे। नारियल आप जब भी डालिएगा तो इसको रेत के ही डालिएगा इसमें, क्योंकि ये पनीर का है, चावल का खीर तो है नहीं। लास्ट में हम छोटी इलायची पाउडर डाल देंगे। बस एक मिनट और हम इसको पकने देंगे। ये मात्र 5 मिनट के अंदर हमारा पनीर का खीर बन जाता है। तो देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, देखिए गाढ़ा हो गया एकदम। देखिए खीर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सजा देंगे इसको। लीजिए, सेहत से भरपूर पनीर का खीर बनके रेडी है। आ जाइए सब लोग खाने। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।